हेलो दोस्तों, सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाई गई। शादी में बॉलीवुड के बड़े सितारे देखने को मिले, पर शादी में एक चीज की कमी थी, वह है हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां इस शादी में नजर नहीं आई। दोस्तों, खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि सनी देओल ने उन्हें अपने बेटे की शादी में इन्वाइट ही नहीं किया। एक ही परिवार के सदस्य होने के बाद भी उन्हें इस शादी में नहीं बुलाया गया। इस बारे में जब धर्मेंद्र से पूछा गया, तब धर्मेंद्र ने कहा कि सनी देओल और हेमा मालिनी के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है, कई सालों से उन्होंने एक दूसरे से बात भी नहीं की। इसी कारण शादी में कोई विवाद ना हो, हमने ईशा और हेमा मालिनी को इस शादी में नहीं बुलाया। दोस्तों, देवल परिवार में कई सालों से आपसी मतभेद चल रहा है और वह इस शादी में भी देखने को मिला। पूरा परिवार एक नहीं हो पाया। धर्मेंद्र इस शादी में मौजूद जरूर थे, पर उनकी दूसरी पत्नी शादी में नहीं आई। क्या हेमा मालिनी को बिना बुलाए करण और दिशा की शादी में आ जाना चाहिए था? इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।